एक ओर जहां जंगली जानवरों को देखते ही लोग भय के चलते भाग खड़े होते हैं, तो वहीं सहारनपुर के एक गांव में अजीब नजारा देखने को मिला, जहां एक बच्चा खूंखार जंगली जानवर नीलगाय के साथ अटखेलियां करता नजर आया, जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। क्योंकि ये जानवर कभी भी मनुष्य के पास नहीं आता और मनुष्य को देखकर दूर भाग जाता है। लेकिन इसे लॉकडाउन को लेकर जानवरों का मनुष्य के प्रति प्रेम कहें या कुछ और, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस बच्चे के साथ ये जंगली जानवर अक्सर उसके पास आकर उसके साथ अटखेलियां करता नजर आ रहा है। हमारे खेतों में अक्सर जंगली जानवर मिलते हैं, जैसे नीलगाय, हिरण आदि पाए जाते हैं। उनमें एक नीलगाय का बच्चा मेरे साथ खेलता है, जिसका नाम मैंने गोलू रखा है। जब भी मैं उसको पुकारता हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा नदी के किनारे से आ जाता है, और वो मुझसे बहुत लगाव करता हूँ, मैं भी उससे लगाव करता हूँ। वो अपनी भाषा में मुझे बहुत कुछ कहना चाहता है और समझाना चाहते हैं, पर मैं उसकी भाषा नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि हमारी भाषा और उनकी भाषा में बहुत अंतर है। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, इस कारण मुझे खेतों में जाने का मौका मिल पाया है, और मेरे बच्चा भी जो सैनिक स्कूल कपूरथला में अभी उसका कक्षा 6 में एडमिशन हुआ है, वो भी अक्सर मेरे साथ खेतों में आता रहता है। अच्छा, मैं वन्य जीवों से बेहद प्रेम करता हूँ, नदियों से, प्राकृतिक चीज़ों से मुझे बेहद लगाव है, इसी कारण मेरे संस्कार मेरे बच्चों में भी हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद के गांव भनेड़ा खेमचंद में श्यामवीर राणा का बेटा पंजाब के कपूरथला सैनिक स्कूल में पढ़ता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो अपने गांव में आया हुआ है, जो कि अक्सर खेत में अपने पिता के साथ चला जाता है। इसी दौरान खेतों से गुजरने वाली खूंखार जंगली जानवर नील गाय से गौरव की दोस्ती हो गई, और जब भी वो खेत में जाता है तो नील गाय उसके पास आकर खूब मस्ती करती है। शुरू में तो गौरव डरता था, लेकिन अब वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो उसे गोलू के नाम से पुकारता है। लॉकडाउन के चलते वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी हुई, इसके चलते जंगली जानवरों में एक अलग प्रकार की संतुष्टि देखने को मिल रही है, और इन जानवरों का मनुष्य के प्रति प्रेम बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते उनके व्यवहार में भी बदलाव प्रतीत हो रहा है। कुछ भी हो, बच्चे और नीलगाय की अटखेलियां इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।